अश्विनी मंगल जी हमारे साथ हैं, प्लीज आइए अश्विनी जी। ये बताइए, इंडिया के डिफेंस के लिहाज से सवाल दो हैं। पहला, हमारा डिफेंस सेक्टर कैसा करेगा? दूसरा, हम अपने आप को किस हद तक डिफेंड कर पाएंगे, या हम जो अभी तक करते आए हैं चाइना को या पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं उस मोड में रहेंगे? डिफेंस के अंदर भारत बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आर्थिक संकट भी दूर होने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। और जो यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा जो यंग जनरेशन सेना में भर्ती होगी, अभी 14.5 लाख लोग जो सेना में भर्ती हैं, और डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से भारत का आयाम पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा फैलेगा, भारत की ख्याति काफ़ी फैलेगी और भारत का प्रभुत्व भी काफ़ी देशों डिफेंस के लिहाज से 2023 रेड या ग्रीन? ग्रीन डिफेंस के लिहाज से 2023 ग्रीन है। जो आपके सामने हमारा तिलिस्म बॉल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। बैठिए आप सर। अरविंद शुक्ला जी, 2023 में भारत में क्या महंगाई दिखती है? वर्ल्ड इकोनॉमी का पूरा हाल खराब है। अब जो हमारा नया वर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, और इस साल का जो आपका संबत है, पिंगला बद्धिनो वर्ते भीतिर यस्य वृष्टिकः राजिनो भोजिनो यंतः शत्रु ते तनवारिनः। इस वर्ष का जो पिंगल नामक संवत्सर है, उस संवत्सर का मतलब यही है कि अतिशय कहीं वर्षा कहीं कम, राज विद्रोह आदि आदि चीज़ों का देगा। जैसे कि भारत की शुरुआत मतलब जो नूतन नववर्ष है उसमें आपका जो मंत्री है वो शुक्र है, जो राजा है वो बुध है, आपस में परंपर शत्रुता है। लेकिन शुक्र क्या है? भोग का कारक है। जो तो हमें जो भोग की, हाँ उसी भी आता है, जो भोग की वस्तुएं हैं खाने की पीने की और जो साधन शरीर के लिए चाहिए, वो शुक्र और जो बुध की युति है, अतिशय वो चीज़ें महंगी होंगी। जैसे कि 2023 में 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन होने वाला है, अपने ही राशि से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में जो है विचरण करेंगे, तो उस वक्त जो है आईटी की फील्ड में जो माइल से उत्पन्न होने वाले हमारे संसाधन हैं, भूमि भवन मकान सोना आदि का विशेष महंगा होगा। वहीं अप्रैल में जो है बृहस्पति गुरु अपनी मीन राशि से, जिस राशि के वो स्वामी हैं, मेष राशि में पहुंचेंगे, तो गुरु और राहु के साथ चंडाल योग बनेगा, तो वहाँ पे सोना चांदी आदि इन चीज़ों का अतिशय महंगाई। सीधे सीधे बोलता हूँ, फूड इन्फ्लेशन 2023 में कितना रखता है? महंगा रहेगा। और 2023 में फूड इन्फ्लेशन के लिए रेड, तिलिस्मी बॉल रेड है क्योंकि वो महंगाई होगी फूड इन्फ्लेशन, और ये इनका प्रेडिक्शन है। हाँ, और उसके अलावा जो ऑयल से संबंधित होगा वो सस्ता होगा। ऑयल 2023 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, यानी कि ग्रीन, ये अरविंद जी का कहना है। और उसके अलावा जो डिफेंस की बात आई, तो भोग मतलब वीर भोग के वसुंधरा, डिफेंस के क्षेत्र में निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। डिफेंस के लिए ग्रीन कर दीजिए, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अरविंद जी बैठिए यहाँ पर मेरे साथ। अब बेजान दारू वाला के पुत्र नस्तूर दारू वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी चैनल पर बेजान दारू वाला जी ने अपना आखिरी शो किया है एस्ट्रोलॉजी का, इसी चैनल पर आखिरी शो बेजान दारूवाला जी ने किया है। ये बड़ा ही हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। नस्तूर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नस्तूर भाई मुझे एक बात बताइए, 2023 क्या देख रहे हैं आप? 2023 में मैं सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मेरे और मेरे पिताजी की तरफ से नूतन वर्षन अभिनंदन करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक नई बात कहना चाहूंगा, कोरोना के लिए सावधानी जरूरी है, पर कोरोना भारत को परेशान नहीं करेगा। महंगाई बढ़ेगी, सरकार के विरुद्ध आंदोलन बढ़ेंगे, और मैं ये मानता हूं खास करके केतु ग्रह के कारण लोगों में थोड़ी हताशा भी होगी, मगर फिर भी हम, जैसे मेरे फादर कहते थे, गणेश जी के कारण, उनकी उपासना के कारण धीमे धीमे बाहर आएंगे। मुझे 2023 एक स्लो वक्त लगता है हर एक के लिए। युद्ध के हालात कुछ बनेंगे 2023 में भारत और मुल्कों के साथ, कुछ ऐसा लगता है आपको? युद्ध के हालात नहीं बनेंगे, मगर चीन बाज आने वाला नहीं है। चीन के साथ उठा पटक जारी रहेगी, पर हम चीन और पाकिस्तान को ऐसा बोझ पाठ सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी खड़े होकर के भारत की तरफ देखेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब एक फाइनल प्रेडिक्शन, बहुत तेजी से मैं जाऊंगा कि कैसे देख रहे हैं 2023। सबसे पहले 2023 में चिंताजनक चीजें क्या दिख रही हैं?
देखिए 2023 में अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में जो पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले बताऊंगी कि विश्व में शांति रहेगी, लोगों में सद्भावना रहेगी। नंबर 4 स्टार जो सेंटर में इस बार लोकेट हो रहा है, वॉर चल रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सद्भावना रहेगी, लोग नेगोशिएटिंग मूड में आएंगे और आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सेटल डाउन होंगे। ये आई एम प्रिडिक्टिंग, बिकॉज नंबर 4 जब सेंटर में आ जाता है तो लोगों में जो भी डिस्पैरिटीज होती हैं हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाती है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स की जो बात लोगों ने की है, ये साल प्यार मोहब्बत का है, इश्क रोमांस इसका ईयर है। तो इस साल पुतिन और ज़ेलेंस्की में इश्क रोमांस होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इस उन लोगों के बीच में भी बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई ना कोई मीडिएट करेगा और देखिएगा कि काफी अच्छा रहेगा। Understood. Negative. हिंदुस्तान की बात करते हैं, अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आप लोगों ने चर्चा की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी जहाँ तक हिंदुस्तान का मैप देखा जाए उसके साउथ वेस्ट पार्ट को हम मिस करते हैं, तो साउथ वेस्ट पार्ट में आता है नंबर 8 स्टार जो कि वेल्थ का इंडिकेटर है, वो मिसिंग है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही, हम सेम लेवल पे रह सकते हैं या हम नीचे भी जा सकते हैं। और एक पार्ट और मैं बोलना चाहती हूँ क्विकली अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, 3 पॉलिटिकल लीडर यू सेड, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल। मिस्टर नरेंद्र मोदी का एनिमल साइन है टाइगर, एंड टाइगर दिस ईयर हैज ए एफ्लिक्शन, ही इज एफ्लिक्टेड बाई अ स्टार इन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन टाइगर इज वेरी पावरफुल ऑल्सो, तो ही विल स्टिल कीप रोलिंग। अच्छा, अंडरस्टूड, लेकिन वो थोड़ी मैम, आई नीड टू मूव फास्ट, यू सेड इट अप। मैम, अब मेरा सवाल है आपसे, नेगेटिव अगर कुछ है तो बताइए मुझे। नेगेटिव ये है कि नॉट दैट आई एम लुकिंग फॉर नेगेटिव, बट आई एम जस्ट कॉशनिंग पीपल। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस साल का राजा जो है बुध है और मंत्री क्या है, शुक्र है, और साथ ही नेगेटिव चीजों की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव चीज वही है कि अगर हम बाहर के लोगों के साथ में अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहे, जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे अगर हम नहीं बचे तो शायद कहीं ना कहीं हम जो है बीमारी के लपेटे में आ सकते हैं। मगर अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है, वैसे भारत के लिए ये साल 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रोथ भी करेगा हेल्थ के पर्पस से भी और बाकी जो है वेल्थ से भी। अच्छा, हेल्थ की अगर बात की जाए, मैं आ रहा हूँ सबके पास, यहाँ पर शास्त्री जी के पास मैं आ चुका हूँ 3-4 बार, लेकिन यहाँ पर सबसे मेरा अलंकृता जी सवाल ये है, हेल्थ ओवरऑल, हमें एक हेल्थ का फेज याद है कोरोना का, सेकेंड फेज, अब हेल्थ ओवरऑल इंडिया में कैसे देख रहे हैं? देखिए, गणना से तो ये बनता है कि केतु का ये 7 मतलब टोटल अगर किया जाए तो इस साल मीडियोकर रहेगा, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं बिटवीन मार्च टू अप्रैल टू मार्च, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर थिंग्स विल सेटल डाउन, थिंग्स विल गेट बेटर, और ये साल जो है वो इनोवेशंस के लिए, रिसर्च के लिए, साइंस के लिए बहुत ही अच्छा साल जाएगा, बहुत सारी नई पॉलिसीज बनेंगी जैसे मैंने बताया, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मटेरियलिज्म के लिए बहुत, अगर आप इकोनॉमी की बात करें और फाइनेंसिस की बात करें, बाय द एंड ऑफ द ईयर तो रिवाइज होंगे, लेकिन इन बिटवीन आप चाहूंगा वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, किसी के ऊपर कोई खतरा नहीं? खतरा किसी के ऊपर कुछ नहीं है, जैसे कि कहा था चीन और भारत की लड़ाई के विषय में, तो ये निश्चित है कि तनावपूर्ण रहेगा और तनाव अतिशय रहेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होगी। और जो मैंने महंगाई के विषय में कहा है वो वर्ल्ड की अपेक्षा, भारत में महंगाई कम रहेगी लेकिन वर्ल्ड में बाहर महंगाई अत्यधिक ज़्यादा रहेगी, और सबसे अत्यधिक जो स्थिति रहेगी, शुक्र और जो बुध हैं, शुक्र इसमें मंत्री हैं, बुध इसमें राजा हैं, तो जो सुख वैभव और विलास के साथ खान पीन में, रहन सहन में, भाईचारे में जिंदगी व्यतीत होगी वो बहुत अच्छी होगी इस वर्ष 2023 भारत देश की। विक्रमादित्य जी, मेरा एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है आपसे और सभी से, यहाँ पर शास्त्री जी पहले चलिए, आप बड़ी देर से मुझसे बोल रहे हैं, ये बताइए अभी तक ओवरऑल आप कैसे समराइज करेंगे? बहुत शार्प रिएक्शन। देखिए, 3 बातें हैं, 17 जनवरी के बाद कोरोना बढ़ेगा और 15 मार्च के बाद सरकार बड़े फैसले लेगी। तो मुझे ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि ये कुंभ का शनि जो है ये बड़े नेताओं के लिए कुछ ना कुछ खतरा उत्पन्न करेगा, सावधान रहना चाहिए। मैम जी, ये कहूँगी महंगाई इज़ दी वन नेगेटिव एस्पेक्ट। देखिए, मैंने कहा ना कि कोई ना कोई छोटी मोटी आपदा आना और छोटी मोटी चीज़ होना, 2022 में कोई बड़ा पेंडेमिक की जो आपने रूप देखी थी वो नहीं हुई थी अप्रैल के बाद से, और यही मैंने प्रेडिक्शन किया था, और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि कोई बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है 2023, अगर 2023 देखी जाएगा तो ये एक चेंजिंग ईयर है इस पूरी सेंचुरी का, क्योंकि 23 जो नंबर होता है वो अंकशास्त्र में बहुत सुंदर पॉइंट।
2023 जो कैलेंडर वर्ष है वो केतु प्रधान है, तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रैगन जो चाइना है उसका लेवल 2023 में डाउन होने वाला है। कहते ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। शॉप ओके। हाँ, 2023 में भारत के पक्ष में महामारी का कोई भी बुरा परिणाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कारण यह है कि शनिदेव जो है वो मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ में है, ठीक है, इसलिए भारत बचा रहेगा। परंतु बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कि चाइना में स्थिति अभी और भी खराब होगी, और साथ ही खाड़ी देशों में और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इस बीमारी के बुरे परिणाम। ठीक है, अंडरस्टूड। बताइए मैम, शॉप रिएक्शन। यस, जैसे हमने 2020 में देखा था कि टेक्नोलॉजी में भारत आगे गया, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई, सोशल मीडिया आगे बढ़ा, उसी तरह से हम 23 में भी यही चीज़ देखेंगे कि सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ेगा और नई नई टेक्निक्स आएंगी और इस तरह से जो है कंप्यूटराइज जो चीज़ तो पता है, दिस इज ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है, इस समय पे चलेंगे क्योंकि अष्टम भाव में जो है ये तो ऑब्वियस है, दैट्स अ नॉर्मल ग्रोथ साइकिल, बट ठीक है, टेक इट। यस मैम, प्लीज गो अहेड। हां, क्विकली, आई एम कमिंग टू यू। 2023 में मैं एक चीज बोलूंगी, हम सभी ने इस बारे में बात कर ली कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और काफी सारी चीजें होने वाली है, लेकिन मैं ये बोलूंगी बाहर की कंपनीज जो हैं वो भारत में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है। okay. और आर्मी अगर पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो हम लोग काफी ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं अपनी आर्मी को। ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। यस मैम, चाइना से सावधान रहने की जरूरत है, अगस्त सितंबर में वो जरूर कोई हरकत करेगा जिस तरह से अभी। अगस्त सितंबर चाइना से सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल महंगाई की अगर बात की जाए तो दुनिया की अपेक्षा में हमारी महंगाई जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी, ये एक बाय एंड लार्ज चीजें कही गई हैं। कोरोना को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, फिर भी जो वर्ल्ड का हाल है वो हमारा हाल नहीं होगा। और रही बात पीस की, तो वो होती दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।